सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा जनपद सीईओ सिरमौर के साथ गाली गलौज और धमकी देने के बाद हमला करवाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कर्मचारी संगठनों ने काम बंद कर दिया है, वहीं अन्य दल विधायक को आरोपी बनाने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आप पार्टी ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है, वहीं जल सत्याग्रह करने की चेतावनी भी दी है। आप पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि विधायक के पी त्रिपाठी अपने भाजपा के मीडिया प्रभारी विवेक गौतम का बिना कार्य करवाए ही भुगतान करने का दबाव बना रहे थे। सिरमौर सीईओ ने गलत भुगतान करने से इनकार किया तो उसके साथ गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी थी, जिसका ऑडियो वायरल होने के चंद घंटों बाद ही प्राण घातक हमला करवा दिया गया था। आइए सुनाते हैं शहर और ग्रामीण अध्यक्ष ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। ज्ञापन सौंपा गया, ये जनपद पंचायत सिरमौर के जो सीईओ के ऊपर जो है, जिस प्रकार से विधायक केपी त्रिपाठी ने षड्यंत्र तरीके से अपने गुर्गो को भेज के 28 लोगों के द्वारा जिस प्रकार मारपीट करवाई, और जिस प्रकार से राजन शुक्ला ने जो है एक दुर्दांत अपराधी को जो है विधायक बनाकर हमारे क्षेत्र को जो सौंपा, उसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि अपराधी जो मारपीट किए वो सारे लोग उसके मित्र थे, कोई मंडल था, कोई कमंडल था, कोई उनके साथी थे, सारे लोग थे। अब केपी त्रिपाठी बता रहे हैं सीओ साहब, मैं क्योंकि मैं खुद लेने सिरमौर गया था, उनको ला के रात को 11:30 बजे मैंने यहाँ पर उनको एडमिशन कराया है, उन्होंने सारी बात मुझसे बताई है। पहली बाइट मैंने ही उनकी ली थी, तो उन्होंने ये बताया कि केपी त्रिपाठी स्वयं उस गाड़ी पर बैठे हुए थे। उसी बात को लेकर आज हम लोग ये कहने आए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन विधायक सिमरिया के ऊपर ये षड्यंत्र को रचने के लिए, इसको जो है जो षड्यंत्रकारी साजिश है, जिस प्रकार हमारे जो है शहर अध्यक्ष जो है इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी धारा लगी। उन्होंने अभी हाल में ही आपके पिछले 2 महीने पहले आपके रीवा उर्रहट मोहल्ले स्थित शराब की दुकान पर, जहां उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वहां पर उन्होंने जबरिया घुस करके उकसा करके लोगों से मारपीट करवाई। उस पर विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई भाजपा द्वारा नहीं की गई, ना ही कोई अपराध दर्ज किया गया, जबकि पीड़ित घायल था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रमोद शर्मा जी के ऊपर 2 साल पहले सिमरिया में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्होंने लिखित शिकायत थाना को दिया था, एसपी साहब को दिया था, इनका इलाज दिल्ली तक में चला था। उस पर सिरमौर के विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी द्वारा नहीं की गई, पुलिस द्वारा नहीं की गई। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अभी हाल ही में सत्येंद्र गुड्डा का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रमोद जी द्वारा संज्ञान लिया गया, वो भी केपी त्रिपाठी के मित्र बताए जा रहे हैं। तो केपी त्रिपाठी का जो ऑडियो अभी जो सीईओ के संबंध में वायरल हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से ये पार्टी मान रही है, लोग मान रहे हैं, और खुद केपी त्रिपाठी जी मान रहे हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी मान रहे हैं कि ऑडियो जो सीईओ और केपी त्रिपाठी जी के बीच का बातचीत का जो वीडियो ऑडियो है, वो इन दोनों के बीच का ही है, अलग कोई वीडियो में टेम्परिंग नहीं की गई, ऑडियो में टेम्परिंग नहीं की गई। तो ऑडियो है क्या? ऑडियो में केपी त्रिपाठी जी धमका रहे हैं, और धमका किस लिए रहे हैं? उन्हीं लोगों के पक्ष में जो लोग इस केस के मुलजिम बनाए गए हैं, विवेक के पक्ष में धमका रहे हैं सीईओ को, आपका बनकुइया मंडल के पक्ष में धमका रहे हैं सीईओ को, जो इस केस में मुलजिम बनाए गए हैं। सीईओ साहब ने स्पष्ट रूप से 3 लोगों का नाम बताया है कि ये लोगों को मैं जानता पहचानता हूँ, और 15-20 लोग और थे जिनको मैं चेहरे से जानता हूँ लेकिन नाम से नहीं पहचानता। उन लोगों ने मारपीट की, और मारपीट कब हुई? मारपीट जब सीईओ साहब के और उनके विधायक जी के बातचीत हुई, और विधायक जी ने सीधे तौर पर बातचीत में ये कहा है, ऑडियो में पत्रकार महोदय भी सुने होंगे, आम जनता भी सुनी होगी, कि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा, तुम खुद अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए मजबूर हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूँगा। तो जहाँ पर धमकी खुले तौर पर दी जा रही है कि तुम मजबूर हो जाओगे, तुमको मैं सीधे तौर पर टारगेट करूँगा, और टारगेट करने की धमकी देने के पश्चात उन्हीं के आदमी जिनके खिलाफ सीईओ साहब ने रिपोर्ट की है, पूर्वक पथाल के पास जाकर जानलेवा हमला करते हैं, उनके ऊपर खतरनाक रूप से मारपीट करते हैं, और उनकी रिपोर्ट सिमरिया थाने में लिखी नहीं जा रही है। भाजपा का प्रशासन जो है, एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मारपीट होती है, और भाजपा का प्रशासन होने के बावजूद यहाँ पर भाजपा के विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सीओ साहब अपने मानसन कथन में जो प्रमोद शर्मा जी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मेरे खिलाफ जो हमला हुआ है वो सिरमौर सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया गया है। तो 100